भारतीय जनता पार्टी के बेनीगंज स्थित कार्यालय पर मंगलवार को भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर के कार्यकर्ताओं को बीजेपी महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव व भाजीमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत रायबड़े ने अंग वस्त्र व माला पहनाकर सम्मानित किया। इस अवसर पर बीजेपी महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव भाजीमो के क्षेत्रीय अध्यक्ष रणजीत राय व पदाधिकारी सहित बड़ी संख्या में भाजीमो के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को मिली प्रचंड बहुमत के लिए गोरखपुर क्षेत्र के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता को बधाई तथा शुभकामनाएं देते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं के त्याग बलिदान एवं परिश्रम का ही नतीजा है कि भाजपा को यह प्रचंड बहुमत प्राप्त हुई। इस अवसर पर गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा, यह सब आमीना है और इसी तरह से आप लोग अपना परिश्रम करके भारतीय जनता पार्टी को भारी मतों से जिताया। धन्यवाद। सीधे मंचस्थ अतिथियों को निवेदन करूंगा कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के यहाँ एकत्रित गोरखपुर महानगर युवा मोर्चा को एक नई पहचान दिलाने वाले हम सब जिनके नेतृत्व में काम करते हैं, हम सब के महानगर अध्यक्ष तालियां बजाते रहिए, सिद्धार्थ चक्रवर्ती जी भारतीय जनता पार्टी के महानगर उपाध्यक्ष बड़े शशांक सोमकर जी, मनोहर गुप्ता जी, गीता नगर मंडल माजी, के लोकसभा चुनाव में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड बहुमत मिला और जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अब की बार 300 पार का नारा देते थे तो विपक्ष के लोग उसका मजाक उड़ाते थे, लेकिन आज आप देखिए कि जनता के आशीर्वाद से जिस प्रकार 300 का आंकड़ा पार किया भारतीय जनता पार्टी ने, 303, और NDA के साथ भी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कहते थे कि NDA 400 के आसपास पहुँचेगी और आप देखिए लगभग 400 के आसपास यानी 375 का आंकड़ा NDA का भी हो जाता है। इसमें जो महती भूमिका निभाई कार्यकर्ताओं ने, यद्यपि नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व को हम लोग प्रणाम करते हैं, और इस प्रकार से आप ये देखिए लहर नहीं ये सुनामी थी, और इस सुनामी में विपक्ष के लोग किस प्रकार गायब हुए हैं, गठबंधन ठग बंधन के रूप में जो यहाँ पर अपना एक दूसरे से स्वार्थ के रूप में जुटे थे वो परास्त हुए। अब पूरे देश में मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी को पुनः प्रधानमंत्री बनाने के लिए जनता ने जो कसम खाई थी उसे पूरा किया है, उसमें महती भूमिका का निर्वहन कार्यकर्ताओं ने किया है। इसी के तहत भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय लिया कि हम कार्यकर्ताओं को सम्मानित करेंगे। लगातार आप लोगों ने देखा है कि कार्यकर्ताओं को सम्मानित करने का कार्यक्रम जारी है। इसी कार्यक्रम के तहत आज भारतीय जनता युवा मोर्चा महानगर के अध्यक्ष पवन यादव जी और हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्र के अध्यक्ष आदरणीय रणजीत राय बड़े जी ने भी तय किया कि महानगर की युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को भी हम लोग सम्मानित करने का कार्यक्रम तय करेंगे। उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पे युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया है। सम्मान देने से सम्मान मिलता है, बढ़ता है, यश कीर्ति बढ़ती है और कार्यकर्ताओं में एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। इसी के तहत आज का ये कार्यक्रम आयोजित हुआ है। निश्चित तौर पर एक बार मैं पुनः आपके माध्यम से भारतीय जनता युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और जनता ने जो विश्वास व्यक्त किया है उनका जो आशीर्वाद मिला है उन्हें भी धन्यवाद देना चाहता हूँ।